हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज के इस बिगिनर्स वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ट्रांसलेशंस की, कैसे बेसिक सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं हम। A1 और A2 अगर आपका लेवल है तो इंग्लिश टू जर्मन में कैसे ट्रांसलेशन करना है ये हम देखेंगे। कुछ सिंपल सेंटेंसेस जिसमें काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसलेट करते टाइम। मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक सेंटेंस हैं, तो इनको हम ट्रांसलेट करेंगे। आई एम मार्टिन, इसको जर्मन में कैसे लिखेंगे? देखिए, जर्मन में लिखने का थोड़ा अलग तरीका होता है, आपको जर्मन स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ेगा। स्पेशली जब हम देखते हैं आई एम फाइन, तो आई एम फाइन कैसे लिखेंगे ये भी हम देखेंगे अभी। तो बिल्कुल गलत नहीं लिखना है, आपको जर्मन तरीके के अकॉर्डिंग जर्मन पैटर्न को फॉलो करना है, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं जर्मन लैंग्वेज में। तो अभी हम देखते हैं पहला सेंटेंस, आई एम मार्टिन, इसको कैसे लिखेंगे? इश बिन मार्टिन। और दूसरा तरीका, आप अपना नाम बता रहे हो तो इश हाइजे मार्टिन। तो जब भी हम नाम बताते हैं तो हम हाइजन वर्ब यूज करते हैं, आई एम कॉल्ड मार्टिन। इंग्लिश में हालांकि ऐसे नहीं बोलते, बट जर्मन में यही तरीका होता है, इश हाइजे मार्टिन या इश विन मार्टिन भी सही है। सेकंड है ही इज फ्रॉम इंडिया। ही इज फ्रॉम इंडिया मतलब इंडिया से बिलोंग करता है। ईस्ट हाउस इंडियन, एर इस्ट हाउस इंडियन। और हम ये भी लिख सकते हैं ही कम्स फ्रॉम इंडिया, तो एर यहां पे ईस्ट की जगह कॉम्ड, एर कॉम्ड हाउस इंडियन, एर कॉम्ड हाउस इंडियन, ही कम्स फ्रॉम इंडिया। जब भी हम बात करते हैं आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, आप कहां से आए हो, तो वी से एर कॉम्ड हाउस और फिर कंट्री का नाम, या एर ईस्ट हाउस और फिर कंट्री का नाम। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, आर यू मार्टिन, ये क्वेश्चन है, आर यू मार्टिन। तो सिंपल होगा बिस्ट डू, हम इनफॉर्मल सेंटेंस अभी बना रहे हैं। जर्मन में दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, अभी हम इनफॉर्मल सेंटेंसेस को देख रहे हैं। बिस्ट डू मार्टिन, आर यू मार्टिन, बिस्ट डू मार्टिन। नेक्स्ट है हाउ आर यू, एकदम बेसिक सेंटेंस है, हाउ आर यू। जब भी हम किसे ग्रीट करते हैं, किसे मिलते हैं, हाउ आर यू कैसे बोलेंगे? वी गेटेस्ट ईयर, और फॉर्मल होगा तो वी गेटेस्ट ईयर। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, वी गेटेस्ट डियर या वी गेटेस्ट ईयर। अगर आप फॉर्मली किसी से बात कर रहे हो, किसी पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हो, किसी टीचर से बात कर रहे हो, प्रोफेसर है, कोई ऑफिस में आपका कलीग है, कोई आपका बॉस है, मींस हूसोएवर, जो भी आपका सीनियर है, सीनियर से आप कभी भी पूछोगे हाउ आर यू, वी गेटेस्ट ईयर। और वहीं दूसरी ओर जहां आप इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ब्रदर्स सिस्टर्स, कोई भी जो आपका जूनियर है, कैजुअल टॉक, ठीक है, इनफॉर्मल है, तो वहां पे बोलेंगे वी गेटेस्ट ईयर, वी गेटेस्ट ईयर, ठीक है। उसका आंसर होगा आई एम फाइन इंग्लिश में, और जर्मन में मियर गेटेस्ट गुड, मियर गेटेस्ट गुड। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो एस गेट मियर गुड, एस गेट मियर गुड, या फिर मियर गेटेस्ट गुड, शॉर्ट में लिख सकते हो डंक गुड, मींस जैसे हम बोलते हैं फाइन थैंक्स, डंक गुड, फाइन थैंक यू। और आप लिख सकते हो एस गेट, एस गेट मींस इट्स ओके, इट्स ओके, जस्ट ठीक है, हालचाल मेरा ठीक है, आई एम ओके, एस गेट। मिस्टेक क्या होती है यहां पे, स्टूडेंट्स लिखते हैं इश बिन गुड, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं इश बिन गुड, जो पूरी तरह से गलत है। इश बिन गुड जर्मन में नहीं बोलते, ये स्ट्रक्चर गलत है, जर्मन में इश बिन गुड नहीं बोलते, ठीक है, इसलिए इश बिन गुड को नहीं लिखना है, उसको अवॉइड करना है। तो मैंने 5 सेंटेंस बताए आपको बेसिक जर्मन में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। इस तरह से हम बेसिक सेंटेंस सीखेंगे, ट्रांसलेशन जब सीखेंगे थोड़ी थोड़ी, हालांकि लोगों का मानना है कि ट्रांसलेशन एक एडवांस लेवल जर्मन सीखने के बाद ही करना चाहिए, बट मेरा ओपिनियन कुछ और है कि जर्मन के ट्रांसलेशन भी आपको साइमल्टेनियसली एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आपको पता चले सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है और सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे जर्मन में होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।